नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज मैं जनवरी 2018 के टॉप वन लाइनर करंट अफेयर्स लेके आई हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो चलिए देख लेते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स। गणतंत्र दिवस 2018 की परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है गणतंत्र दिवस 2018 में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2017 से 2018 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 3.2%, 3.2%। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018 से 2019 में आर्थिक वृद्धि दर 7% से बढ़कर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7.5%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2016 से 2017 में भारत में कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ? उत्तर है दोस्तों इसका 275.7 मिलियन। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्रूड ऑयल की कीमतों में 2018 से 19 में बढ़ोतरी के आसार हैं 10-15%। दोस्तों ये वन लाइनर करंट अफेयर्स जो मैं आपको लेके आई हूँ, या आप एक दो बार वीडियोस देखेंगे तो आपको दिमाग में भी चीज़ें बैठ जाएंगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार कृषि एवं खाद्यान्न क्षेत्र में 2016 से 2017 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की गई? 4.9%। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी लागू होने के बाद करदाताओं की संख्या में हुई वृद्धि कितनी? 50%, 50%। एक सेकंड में 10 GB डाटा ट्रांसफर करने वाली तकनीक जिसका हाल ही में भारत सरकार द्वारा परीक्षण किया गया है, वो है लाइफआई। वह पूर्व टेनिस खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम है प्रकाश पादुकोण। इन्होंने हाल ही में ग्रेमी पुरस्कार 2018 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, उनका नाम है ब्रूनो मार्स। किस राज्य सरकार ने नागपुर में कानून विश्वविद्यालय हेतु 750 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। दुनिया में रहने के लिहाज से वह देश जो दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता देश है, वो है दोस्तों भारत। भारत में पहली बार इस महिला इमाम ने जुमे की नमाज अदा कराने का इतिहास रचा, उनका नाम है जमीदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनके कंबोडियाई समकक्ष जिनके साथ हाल ही में 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वो हैं समदेश हुन सेन। रूस के विपक्षी नेता जिन्हें हाल ही में रिहा किया गया है, उनका नाम है एलेक्सी नावाल्नी। किस टीम ने राजस्थान को 41 रन से शिकस्त देकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की है? दिल्ली टीम ने। भारत में किस वर्ष के बाद से पोलियो के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है? 2011। वह देश जो विश्व में नारियल उत्पादन उत्पादकता में अग्रणी है, वो है भारत। केंद्र सरकार ने पूंजी के अभाव से जूझ रहे सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंकों में 88,139 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की घोषणा की है? 20 क्षेत्रों में, 20 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में दोस्तों केंद्र सरकार ने पूंजी के अभाव से जूझ रहे जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, बैंकों में 88,139 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की घोषणा की है। फिर है, हाल ही में किस भाषा की फिल्मों की अनुभवी अभिनेत्री सुप्रिया देवी का निधन हो गया है? बंगाली भाषा की फिल्मों की अभिनेत्री सुप्रिया देवी का निधन हो गया है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2017 में जीएसटी के तहत कितने करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया है? 86,703 करोड़ रुपीज का किया है। हाल ही में जारी वार्षिक ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स के आंकड़ों में अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 3रा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 2015 से 2016 के आंकड़ों के अनुसार भारत में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की संख्या प्रत्येक चौथी महिला शिकार है, आंकड़ों के अनुसार घरेलू हिंसा की। किन्होंने हाल ही में विदेश सचिव का पदभार संभाला है? विजय गोखले ने संभाला है। किस राज्य के छात्र विनिमय कार्यक्रम मैत्री यात्रा का समापन समारोह राष्ट्रीय बाल भवन में संपन्न हो गया? जम्मू कश्मीर। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। गणतंत्र दिवस 2018 समारोह के अंग रूप में भारत सरकार 26 से 31 जनवरी 2018 तक किस ऐतिहासिक इमारत में भारत पर्व का आयोजन कर रही है? लाल किला में। वर्ष 2021 तक ये कौन सी कंपनी 10 लाख कर्मियों को पुनः प्रशिक्षित करेगी? TCS एंड इंफोसिस। किस देश ने तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के 6 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका। हाल ही में भारतीय कलाकार MF हुसैन की कलाकृतियों की पहली एकल प्रदर्शनी किस शहर में खोली गई है? ढाका में।
ये डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स DSCA के तहत पहले लाभार्थी हैं पार्थी पटेल। किस भाषा की फिल्मों की अभी मैंने आपको बताया सुप्रिया देवी का निधन हो गया है, ये बंगाली भाषा की फिल्मों की अभिनेत्री थी। फिर नेक्स्ट है, किनकी जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला युगल के खिताबी मुकाबले में एकोटेरिना मकारोवा और एलेना वेसनिना की रूसी जोड़ी को मात देकर खिताब अपने नाम किया, टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना म्लादेनोविच ने। किस शहर में 2018 इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की जा रही है, बेंगलुरु में। अटल पेंशन योजना को किस वर्ष से लागू किया गया, 2015 से। राष्ट्रीय बांस मिशन आरंभ किए जाने हेतु आवंटित की गई राशि है 1290 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बच्चों को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया है, 18। किस राज्य में नासिक शिक्षण प्रसारक मंडल NSPA द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं के लगभग 15,000 छात्रों ने पिछले एक वर्ष में इतनी बार सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 तक करीब कितने प्रतिशत भारतीय कर्मचारियों के पास अच्छी नौकरी नहीं होगी, 77%, 77%। गणतंत्र दिवस 2018 में पहली बार अशोक चक्र से सम्मानित किए जाने वाले वायुसेना कमांडो का नाम क्या है, शहीद कमांडो JP निराला। गणतंत्र दिवस 2018 के उपलक्ष्य में कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक प्रदान किए गए, 795 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक प्रदान किए गए हैं। गणतंत्र दिवस 2018 समारोह के भाग के रूप में लाल किले पर 26 से 31 जनवरी तक आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है, भारत पर्व। वह देश जिसे फेक न्यूज के खिलाफ सुरक्षा इकाई का गठन किया, ब्रिटेन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2017 के लिए चयनित 44 व्यक्तियों में से कितने कितने लोगों को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया है, 7 लोगों को। वह देश जिसके साथ NSIC ने छोटे एवं मध्यम उद्योगों के विकास में मदद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, मलेशिया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सभी क्षेत्रीय रेलों हेतु शून्य रद्दी सामग्री संतुलन लक्ष्य तय किया है, रेल मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के मापदंडों में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है, बिहार। वैश्विक परामर्श प्रदाता कंपनी PwC के सर्वेक्षण के अनुसार वह देश जो निवेश के लिहाज से सबसे पसंदीदा बाजार है, अमेरिका। किस देश के टेनिस खिलाड़ी मीशा ज्वेरेव पर ऑस्ट्रेलियन ओपन में खराब प्रदर्शन को लेकर करीब 29 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, वो है जर्मनी देश की खिलाड़ी मीशा ज्वेरेव पर ऑस्ट्रेलियन ओपन में खराब प्रदर्शन के लिए 29 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हाल ही में जॉर्ज वी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, लाइबेरिया के। वह देश जो महिला T20 विश्व कप 2018 की मेजबानी करेगा वो है वेस्टइंडीज। इन्हें हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, उनका नाम है अशोक लवासा। स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी की गई ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी EPI रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, 177। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की घोषणा की गई, इस ट्रेन का नाम है ट्रेन 18। वह भारतीय नौसैनिक पोत जिसने संपूर्ण पृथ्वी के अपने पहले परिक्रमा अभियान के दौरान फॉकलैंड द्वीप में प्रवेश किया वो है INSV तारिणी। वो स्थान जहां हाल ही में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यशोर नाइक ने होम्योपैथिक शोध संस्थान का शिलान्यास किया है वो है जयपुर। वह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जिसे IOC गेल में हिस्सेदारी बेचने की अनुमति प्राप्त हुई वो है ONGC। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वर्ष 2018 में भारत की विकास दर 7.4% होने का अनुमान लगाया है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। वह राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है वो है केरल। सेक्टम वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष में भारत सबसे तेजी से उभरती बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 2018। हाल ही में किस देश के लंबी दूरी के धावक सोलोमन डक्सिसा ने मुंबई मैराथन में पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया है, इथियोपिया के। किस राज्य सरकार ने कागज के स्थान पर ऑनलाइन लॉटरी लाने का प्रस्ताव किया है, तैयार किया है किसने, महाराष्ट्र राज्य ने।
जिस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बहुत पतले इलेक्ट्रॉनिक स्किन टैटू विकसित किए हैं वो है जर्मनी। वर्ष 2018 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? इरफान खान को। किसे हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया? शुभाशीष भुटियानी। ऑक्सफेम द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत लोगों के पास देश की 73% संपत्ति मौजूद है? 1%। किसे हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSFC का निदेशक नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ को। भारत द्वारा रूस के साथ हाल ही में किस सुपरसोनिक मिसाइल खरीद कर बातचीत आरंभ की गई है? S-400 ट्रंप। हाल ही में किस राज्य में हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल शुरू किया गया है? हरियाणा में। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने बाला साहब ठाकरे शहीद सम्मान योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र राज्य ने। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु किस पहल को लॉन्च किया? साइबर सुरक्षित भारत। ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप AG में भारत के सम्मिलित हो जाने के बाद अब कुल कितने सदस्य हो गए? 43 सदस्य हो गए। मानव ठक्कर नवीनतम विश्व टेबल टेनिस रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? दूसरे। हाल ही में किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध विश्व के पहले सार्वजनिक रजिस्टर की घोषणा की है? ब्रिटेन। किस देश ने ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार विश्व कप जीत लिया है? भारत है वो। सेक्ट्रम वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में चीन को पछाड़ते हुए देश जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन जाएगा? भारत है वो। किस देश के पूर्व हरफन मौला खिलाड़ी सुलेमान दीक्षा का हाल ही में नीदरलैंड्स में निधन हो गया है? दक्षिण अफ्रीका के हरफन मौला खिलाड़ी सुलेमान डिक जो दक्षिण अफ्रीका में उनका निधन हो गया है दक्षिण अफ्रीका में के खिलाड़ी हैं ये सुलेमान डिक, इनका हाल ही में नीदरलैंड्स में निधन हो गया है। फिर है देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज 39% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत हो गई है? 76% यानी 76%। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाली कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है? 112 महिलाओं को सम्मानित किया है। वह स्थान जहां विश्व की सबसे लंबी 347 किलोमीटर जलमग्न सुरंग की खोज की गई है वो है मैक्सिको। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होंगे 18 फरवरी 2018 को। एक फ्रेंच कंपनी द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाली साइकिल बनाई गई जिसका नाम है अल्फा। दक्षिण कोरिया और किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक में संयुक्त ध्वज के साथ मिलकर मार्च करने पर सहमत हुआ है? उत्तर कोरिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकास घाटे का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया है वो है जम्मू कश्मीर। किस देश की सरकार ने आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक में अपने 7 प्रांतों की अस्थायी राजधानियों और प्रमुख प्रशासकों के नाम तय किए हैं? नेपाल देश की सरकार ने। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा में कितने विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है? 20। हाल ही में ICC ने धीमी गति से ओवर फेंकने पर किस देश के कप्तान और टीम पर जुर्माना लगाया? दक्षिण अफ्रीका की टीम पर जुर्माना लगाया है। किस देश ने खाद्य सहायता हेतु फिलिस्तीन को दी जाने वाली $45 मिलियन की मदद पर रोक लगा दी है? अमेरिका। वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस पर किन्हें प्रतिष्ठित भारत पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? कुमारी नाजिया को। किन्हें वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मरणोपरांत गीता चोपड़ा अवार्ड दिया जाएगा? नेत्रावती M. चव्हाण को। भारत सरकार द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई अग्नि 5 मिसाइल की मार्ग क्षमता है 5000 किलोमीटर। उस राज्य का नाम बताएं जिसने अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया? महाराष्ट्र। वह देश जिसने हाल ही में अकेलापन दूर करने के लिए एक मंत्रालय का गठन किया गया है वो है ब्रिटेन। भारतीय मूल के पहले सिख व्यक्ति जिन्हें न्यू जर्सी का अटॉर्नी जनरल बनने का अवसर प्राप्त हुआ है वो है गुरबीर सिंह ग्रेवाल। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है विराट कोहली। वह खिलाड़ी जिसे हाल ही में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया स्टीव स्मिथ। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया इन खेलों के लिए एक झंडे के तले मार्च के लिए सहमत हो गए हैं वो है शीतकालीन ओलंपिक।
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार यह फिल्म सभी राज्यों में 25 जनवरी को रिलीज होगी। पद्मावत है वो, जो कि रिलीज हो चुकी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में काले धन के खिलाफ अभियान के तहत नियमों के पालन में ढिलाई बरतने वाली कितने लाख कंपनियों का पंजीकरण रद्द करने का फैसला किया है? 1.20 लाख। बांग्लादेश और किस देश ने 2 साल के भीतर रोहिंग्या मुसलमानों को स्वदेश वापसी के लिए सहमत हो गए हैं? म्यांमार। अडानी समूह पश्चिम बंगाल में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की? 750 करोड़। भारत की वह सैटेलाइट जिसने हाल ही में इसरो को इंदौर के होलकर स्टेडियम की तस्वीर भेजी? कार्टोसैट 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राजस्थान के किस राज्य में तेल रिफाइनरी का उद्घाटन किया है? वो है बाड़मेर। वह राज्य जिसमें लोगों को पेड़ों के साथ भाई बहन का रिश्ता बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? वो है सिक्किम। हाल ही में प्रारंभ हुए भारत के पहले स्पोर्ट्स रेडियो चैनल का नाम है स्पोर्ट्स फ्लैशेस। वह राज्य जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा रोड शो किया गया? वो है गुजरात। प्रधानमंत्री की वेबसाइट पीएम इंडिया इतनी भाषाओं में उपलब्ध है? कितनी? 13 भाषाओं में। बांग्लादेश, भारत और किस देश ने यात्री वाहनों की आवाजाही हेतु परिचालनगत प्रक्रियाओं पर सहमति जताई है? नेपाल ने। भारतीय मुक्केबाजों ने सर्बिया के सोमबोर में चल रहे 7वें नेशंस कप टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते, गोल्ड मेडल जीते हैं 11। फिर किस देश ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा 100 मीटर एयर प्यूरिफायर बनाने का दावा किया है? चीन ने। किस शहर में स्थित 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक किया गया है? दिल्ली। हाल ही में भारत और किस देश ने अवैध प्रवासियों की वापसी और आपराधिक रिकॉर्ड साझा करने हेतु एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्रिटेन। T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम है ऋषभ पंत। भारत और इसराइल के मध्य आतंकवाद के खिलाफ साझा तंत्र बनाने का को लेकर हुई बैठक में इस मिसाइल के सौदे पर चर्चा हुई की गई है? बराक मिसाइल पे। पंजाब सरकार के ऊर्जा एवं सिंचाई विभाग मंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, उनका नाम है राणा गुरजीत सिंह। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में कितने जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया है? 5। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रस्तावित किस योजना को उपराज्यपाल ने मंजूरी प्रदान की है? डोर स्टेप डिलीवरी योजना। भारत और इसराइल के बीच फिल्म सह उत्पादन पर हुए समझौते पर इसराइल की ओर से इनके हस्ताक्षर किए गए? डैनियल कॉलमन भारत के में इसराइल के राजदूत हैं ये। भारत का वह पड़ोसी देश जिसमें महिलाओं को शराब खरीदने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा रोक लगाई गई? श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हेतु अपने प्रत्येक गांव को अलग अलग रंगों में स्टार रेटिंग करेगी? हरियाणा सरकार। केंद्र सरकार ने के कार्मिक मंत्रालय ने दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत तेजाब हमला पीड़ितों की सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं? 1%। सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली किस स्वदेशी मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण हुआ? पृथ्वी। हाल ही में प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सिक्किम राज्य का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य के आधिकारिक प्रतीक चिन्हों का अनावरण किया है? बंगाल। वो देश कौन सा है जो पुरुषों और महिलाओं हेतु समान वेतन वैध बनाने वाला पहला देश बना? आयरलैंड। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बस मेट्रो यात्रा करने के लिए कॉमन कार्ड शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। भारत के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक शैव आचार्य के बारे में मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया गया? आदि शंकराचार्य। इस प्रकार के तिरंगे पर सरकार ने उपयोग किए जाने वाले हेतु प्रतिबंध लगा दिया है? प्लास्टिक से बना तिरंगा। भारत की नौसैन्य शक्ति प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण हाल ही में इस युद्ध पोत पर सवार हुई INS कोलकाता। दोस्तों ये सीतारमण लिखा हुआ है, करेक्ट कर लीजिएगा। वह देश जिसने हाल ही में कॉटन बर्ड्स पर रोक लगाई है, इंग्लैंड है वो। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है सबा करीम को। वह देश जहां स्पेशल इफेक्ट वाला पहला ट्रांसपेरेंट वॉकवे ग्लास ब्रिज प्रारंभ किया गया है, वो है चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रवासी भारतीय केंद्र में प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन का शुभारंभ किया? नई दिल्ली में।
दोस्तों अगर आप ये वीडियो एक दो बार भी सुनते हैं तो आपको ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, करंट अफेयर्स आपको बता रही हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस शहर में भारत का सबसे तेज और सुपर कंप्यूटर देश को समर्पित किया है? पुणे। अमेरिका के कितने गुरुद्वारों में भारतीय अधिकारियों के घुसने पर रोक लगा दी गई है? 96 गुरुद्वारों में। बीसीसीआई ने डोप टेस्ट में फेल हुए यूसुफ पठान पर कितने महीनों का प्रतिबंध लगा दिया है? 5। उत्तर कोरिया और किस देश के बीच 9 जनवरी 2018 को 2 से अधिक सालों के बाद पहली बार औपचारिक बातचीत हुई? दक्षिण कोरिया के साथ। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष यात्री जॉन यंग का निधन हो गया? नासा। केंद्र सरकार ने नियंत्रण रेखा के पास कितने हजार बंकरों के निर्माण की मंजूरी दी है? 14,000। भारतीय दवा महानियंत्रक ने खराब गुणवत्ता का हवाला देते हुए कितने प्रमुख चीनी दवा कंपनियों से दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? 6। 75वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? निकोल किडमैन को। भारतीय मूल के किस अभिनेता को गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में म्यूजिकल कॉमेडी टीवी सीरीज का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चयनित किया गया? अजीज अंसारी को। भारत ने किस देश के किए समझौते के तहत मुस्लिम महिलाओं को पहली बार पुरुष साथी के बिना हज यात्रा के लिए भेजने का निर्णय किया? सऊदी अरब। किस देश में आयोजित किए जाने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों के मद्देनजर दक्षिण कोरिया तथा उत्तर कोरिया के मध्य वार्ता आयोजित की गई? दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस राज्य ने 18वां अखिल भारतीय व्हिप सम्मेलन आयोजित किया है? वो है राजस्थान। वर्ष 2018 के प्रवासी संसदीय सम्मेलन में कितने देशों के 124 सांसद भाग ले रहे हैं? 23। स्कूलों की सुरक्षा को लेकर इस सरकारी संस्था द्वारा दिशा निर्देश जारी किए हैं? NCPCR के द्वारा। वह देश जिसने अपने प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो है ईरान। किस राज्य के हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिलाएं टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना में काम करने के लिए पात्र हैं? दिल्ली। ट्रंप प्रशासन ने किस देश की सीमा पर दीवार बनाने हेतु 18 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रस्ताव रखा है? वो है मैक्सिको। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत किस देश की कंपनी कंगनाम के साथ 32,640 करोड़ रुपए का माइन काउंटर मेजर वेसल्स यानी MCMV रक्षा सौदा रद्द कर दिया? दक्षिण कोरिया के साथ। किस देश के बल्लेबाज एलिस्टर कुक एरसिस ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ कर टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? इंग्लैंड। वह अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जिसके साथ भारतीय मैत्री के 25 वर्ष पूरे हुए? आसियान। इसरो द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे वजनी सैटेलाइट का नाम है? GSAT-11। खेलों से संबंधित किस योजना का लोगो हाल ही में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लॉन्च किया है? खेलो इंडिया। वह राज्य जिसमें बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? उत्तर प्रदेश। सरकारी बैंकों की सेहत सुधारने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए मेगा प्लान में इतनी राशि के बॉन्ड का इंतजाम किया जाएगा? 80,000 करोड़ रुपए की। वह देश जिसने पाकिस्तान में दूसरा सैन्य अड्डा बनाने जाने की जानकारी मीडिया में प्रकाशित की है? वो है चीन। वह खाद्य वस्तु जिसे ककाओ नामक पौधे से तैयार किया जाता है तथा इसके 2050 में समाप्त होने का अनुमान जताया जा रहा है? चॉकलेट। नासा द्वारा आयन मंडल की विस्तृत खोज के लिए घोषित किए गए 2 मिशनों के नाम है गोल्ड और आइकॉन। वह उच्च न्यायालय जिसने फैसला दिया कि प्रादेशिक सेनाओं में महिलाएं भी भर्ती हो सकती हैं? दिल्ली उच्च न्यायालय। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नरेंद्र बत्रा को। और वह देश कौन है जिसने हाल ही में भूमि खदान प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए? श्रीलंका। हाल ही में वर्ल्ड स्क्वेश चैंपियनशिप का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है मोहम्मद अलशोर बगी ने, जिसने हाल ही में मिसाइल परीक्षण के दौरान गलती से अपने ही देश में मिसाइल दाग दी? उत्तर कोरिया। भारत और किस देश के बीच ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन MOU को स्वीकृति प्राप्त हुई? ब्रिटेन। किस देश ने 4 जनवरी 2018 को पाकिस्तान से सभी प्रकार के सुरक्षा सहयोग को निलंबित करने की घोषणा की? अमेरिका। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर फ्रेंचाइजी द्वारा IPL 2018 के लिए कितने करोड़ रुपए में रिटेन होने के साथ विराट कोहली IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए? 17 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक और ATM मैन्युफैक्चरर्स
से इस मूल्य वर्ग के नोट के लिए एटीएम में बदलाव करने हेतु निर्देश जारी किया 200 करोड़ रुपए। थाईलैंड के विदेश मंत्री, जिनके साथ हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुलाकात की, उनका नाम है डॉन प्रमुद्दीनाई। अनाज और चीनी की पैकेजिंग इस पदार्थ में करने हेतु सरकार ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं, वो है पटसन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संस्था के साथ मिलकर पहला ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी पाठ्यक्रम आरंभ किया है, वो है टाटा मेमोरियल सेंटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की भांति भारत में किस मार्ग पर पहले राष्ट्रीय जलमार्ग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई, हल्दिया से वाराणसी। हाल ही में भारतीय रेल ने किस राज्य में 100 साल पुराना पुल महज 7 घंटे में तैयार कर दिया, उत्तर प्रदेश। किस देश ने पाकिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन करने वाले देशों की विशेष निगरानी सूची में डाल दिया है, अमेरिका ने। कैबिनेट ने तेल एवं गैस सहित क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच एमओयू को मंजूरी दी है, इसराइल ने। केंद्र सरकार ने ई वीजा पर आए क्रूज पर्यटकों का बायोमेट्रिक नामांकन से किस वर्ष तक छूट प्रदान की है, 2020 तक। किस देश की नौसेना ने स्वदेश में निर्मित हरबा नौसैन्य क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, वो है पाकिस्तान की नौसेना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि सीमा पार करने संबंधी भारत और किस देश के समझौते को मंजूरी दी, म्यांमार। किस राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म से पहले कुंभ 2019 का लोगों को भी दिखाया जाएगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने निर्यात और वित्तीय लेन देन के लिए चीन की मुद्रा युआन को इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, पाकिस्तान। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भीमा कोरेगांव हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिया है, वो है महाराष्ट्र राज्य की राज्य सरकार। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की ताजा रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी सात्यान जिस स्थान पर पहुंच गए हैं, 49वें। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति हर महीने औसतन डाटा खपत है 1.6 GB। हिमाचल प्रदेश का वह स्थान जहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है, वो है बिलासपुर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने के लिए लंदन के साथ इस समझौते के तहत एमओयू को मंजूरी प्रदान की गई है, वो है ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन। वह राज्य जहां हाल ही में पहली बार सीएनजी सप्लाई आरंभ की गई है, वो है पंजाब। मेडिकल शिक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण आयोग के गठन की योजना निर्माण इस आयोग की गठन की योजना बनाई जा रही है, वो है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग। वह टीम जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के बाद 17 साल बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी होगी, बिहार। जीएसटी के तहत एकीकृत कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने वाले मैन्युफैक्चरर्स के लिए इतने प्रतिशत की निचली दर को अधिसूचित किया गया है, 1%। वह देश जिसने 7,680 मील प्रति घंटे की गति तय करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया है, वो है चीन। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय टीम टेस्ट में पहले वनडे पर दूसरी और T20 में किस नंबर पर है, तीसरे। नवंबर 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 प्रमुख क्षेत्रों में से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 6.8%। हाल ही में खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त होने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूसरे राज्य के नाम है अरुणाचल प्रदेश। किस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने न्यूनतम मजदूरी में 40% की वृद्धि करने की घोषणा की है, वेनेजुएला। नवीनतम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली किस स्थान पर कायम है, दूसरे। किस देश के सलामी बल्लेबाज कॉलिन मनरो ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, न्यूजीलैंड। भारत के किस पूर्व रॉक प्रमुख को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, वो है राजेंद्र खन्ना। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस ग्रह को मिलते जुलते 4 एक्सोप्लेनेट की खोज की है, बृहस्पति। भारतीय कंपनी जिसने हाल ही में गुजरात के सौराष्ट्र स्थित जामनगर में विश्व के सबसे बड़ी गैस क्रैकर रिफाइनरी यानी ROGC प्रारंभ की है, वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर है हाल ही में भारतीय मुद्रा के इस नोट के 100 वर्ष पूरे होने पर जिस पर जॉर्ज पंचम की मुहर लगा करती थी 2.5 रुपए का नोट। केंद्र सरकार ने संकटग्रस्त बैंकों को बचाने हेतु कितने कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 7,577 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, 6। केंद्र सरकार ने नागालैंड को और कितने महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है, 6। हाल ही में किस देश ने लक्ष्यों पर बारीक नजर रखने के साथ अपनी पनडुब्बियों की मदद के लिए पानी के भीतर एक नया निगरानी तंत्र विकसित किया है, चीन ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, तेलंगाना सरकार।
मेनका गांधी ने महिला सशक्तिकरण हेतु यह ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया है। उसका नाम है नारी। वह कंपनी जिसने हाल ही में उत्तर प्रदेश में देश का दूसरा सबसे बड़ा रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाया है, वो है गेल इंडिया। हाल ही में दक्षिण भारत के किस सुपरस्टार ने राजनीति में प्रवेश की घोषणा की है, वो है रजनीकांत। वह खिलाड़ी देश जिसने हाल ही में वैट लगाया जाने तथा पेट्रोल की कीमत में 127% वृद्धि करने की घोषणा की है, वो है सऊदी अरब। हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है विजय केशव गोखले को। वह तीन जिसने हाल ही में अपनी पहली रणजी खिताब व टीम जिसने हाल ही में पहली बार रणजी खिताब जीता है, वो है विदर्भ। भारत और किस देश ने 1 जनवरी 2018 को एक समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है, पाकिस्तान। वह देश की जिस देश के क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रशंसक से मारपीट को लेकर बल्लेबाज शब्बीर रहमान ने घरेलू क्रिकेट खेलने पर 6 महीने का बैन और करीब 15 लाख रुपए का जुर्माना किया है, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड। वह राज्य जिसने हाल ही में स्वयं को खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त राज्य घोषित किया, वो है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरब प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मोहम्मद सालेह को। किस अभिनेता को दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन में 24वें क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो है शाहरुख खान। वह राज्य के हाईकोर्ट ने सरकारों को दलित शब्द इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है, मध्य प्रदेश। बजट की घोषणाओं के अनुसार किस प्रकार की कंपनियों ने ग्रीन मिशन के तहत 100% टैक्स से छूट दी गई है, खेती से जुड़ी कंपनियां। वित्त वर्ष 2018 से 2019 के बजट में यात्रियों की सुरक्षा के लिए अगले 5 साल में कितने लाख करोड़ रुपए के राशि के लिए राष्ट्रीय रेल सुरक्षा संरक्षा कोष बनाया गया है, जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के तहत कितने साल में IIT, NIT और IISc और IIIT के मानिए IIIT के कुल 3,000 छात्रों की फेलोशिप दी जाएगी, वो है 3। वित्त वर्ष 2018 से 2019 के बजट के अनुसार मछली पालन और पशुपालन व्यवसाय में कितने करोड़ रुपए देकर ग्रामीण क्षेत्र में जनता की आय बढ़ाने का कोशिश की जाएगी, 10,000 करोड़। वित्त वर्ष 2018 से 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, 5,750 करोड़। वित्त मंत्री द्वारा 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। फिर बजट 2018 के अनुसार देश को टीवी मुक्त बनाने के लिए आवंटित की गई धनराशि है 600 करोड़। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018 से 2019 के भाषण में देश में कितने मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की है, 24। बजट 2018 के अनुसार भारत में किस स्थान पर रेलवे यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है, वडोदरा में। केंद्र सरकार ने किसी भी इकाई द्वारा कितने लाख रुपए से अधिक का लेन देन करने पर स्थायी खाता संख्या यानी पैन का उल्लेख अनिवार्य बनाया, 2.5 लाख रुपए। वित्त वर्ष 2018 से 2019 के बजट ने सभी 11,000 ट्रेनों में CCTV कैमरा लगाने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है, 3,000 करोड़ रुपए। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 30वां। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत का सबसे समृद्ध समुदाय बताया गया है, उत्तर है इसका ऑप्शन बी जैन। निम्नलिखित में से किस राज्य के मदरसों में अगले शैक्षणिक सत्र से संस्कृत पढ़ाई जाएगी, उत्तर है दोस्तों इसका उत्तराखंड। फिर है किस कमोडिटी के लिए भारत पहले एग्री ऑप्शंस को लॉन्च किया गया है, उत्तर है इसका ऑप्शन ए ग्वार। किस अभिनेता को हाल ही में जनकवि पी सावल राम पुरस्कार प्रदान किया गया, ऑप्शन है इसका सी सुधीर दलवी को। भारतीय बार परिषद BCCI ने 5 जजों को छोड़कर अन्य सभी जजों मिलने हेतु कितने सदस्यीय दल का गठन किया है, 7। निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिलाओं ने स्टेडियम पहुंचकर फुटबॉल मैच देखा है, सऊदी अरब, ऑप्शन सी। हाल ही में किस शहर में नेपाल चीन क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिकल फाइबर लिंक का उद्घाटन किया गया, काठमांडू, ऑप्शन बी उत्तर है इसका। किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, उत्तर है इसका ऑप्शन ए सरजू बाला देवी। फिर है किस देश के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना ने 14 जनवरी 2018 को महिलाओं को शराब खरीदने की इजाजत देने वाली सरकार के फैसले पर दोबारा रोक लगा दी है, दोस्तों श्रीलंका, ये मैं आपको भी वन लाइनर बता चुकी हूँ ये क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, आगे हम आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस लाएंगे। ओके, बाय बाय।